बन सकता है। जी हाँ, आज मैं मिलवाना चाहती हूँ आप लोगों से मनीष बहल से, जो एक खुद एस्पायरिंग एक्टर से, और वो आप लोगों को इंस्पायर करेंगे अपनी कहानी के थ्रू। चलिए उनको वेलकम करते हैं। हेलो मनीष, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बहल और मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। तो आपने कब रियलाइज किया, वो कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि हाँ आपको आर्टिस्ट ही बनना है, आगे बढ़ना है मुंबई आ रहे हैं? जी, बचपन से ही मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था और मेरे घर के पास भी काफ़ी थिएटर्स थे, तो मैं जो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता था मैं जाके देखता था। तो मैं जब भी देखता था एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए, मुझे लगता था ये कैसे कर लेते हैं एक किरदार से दूसरे किरदार में चले जाते हैं, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि ये कैसे स्टंट्स कैसे कर लेते हैं। मुझे बहुत मैजिकल सी ये चीज़ें लगती थी, तो बहुत इंटरेस्ट आता था कि ये कैसे ये कला है, तो मैं इसको जानने की चाह थी। तो उसको जानने की चाह में मैं इधर मुंबई आ गया, उसको एक्टिंग को एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को। मेरे को लगा इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है अच्छा, तो अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मैं इस इधर आ। वाओ, इनको भी बचपन से शौक था एक्टिंग करने का। चलिए उनसे जानते हैं कि इतने सारे एक्टिविटीज के बीच में आप कैसे पहुंच गए सचिन के भी ट्रेनिंग लेने के लिए? जी, मैंने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे बिटिन सर के, तो मुझे वीडियोस बहुत अच्छे लगे, उसमें काफ़ी मोटिवेटिंग है और बेसिक से शुरू करते हैं, तो मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा ये कि यहाँ मेरे बेसिक से मुझे स्टार्ट करने को मिलेगा, तो अफोर्डेबल भी था, तो मुझे ये बेटर ऑप्शन लगा। तो मैंने तो अब आपको लगता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया और आपकी एक्टिंग की टैलेंट थोड़ी शार्पिंग हो गई है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है बहुत बेसिक से, तो अपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते हैं अपनी पर्सनैलिटी पे, डिक्शन पे और एक्टिंग पे, टेक्निक्स जो हैं एक्टिंग की उस पर काफ़ी वर्क किया जाता है, तो काफ़ी डेवलपमेंट होता है। तो किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे ज़्यादातर? यहाँ पे आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी डिक्शन पे, आपकी एक्टिंग की जो टेक्निक्स हैं डिफरेंट उसके बारे में बताया जाता है, और अच्छे से सिखाया जाता है। तो सब लोग बोलते हैं कि मुंबई में रहने के लिए थोड़ी दिक्कत है, आपको कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत सी लोकेशंस हैं जो अफोर्डेबल हैं, तो यहाँ पे मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कॉस्टली जगह भी है, पर अफोर्डेबल प्लेसेस हैं यहाँ पे मुंबई में, यहाँ रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। सो इंस्पायरिंग। चलिए, मुंबई आके बाहर से आके इतना मेहनत कर रहे हैं ये कर सके तो आप क्यों नहीं कर सकते। चलिए ऐसे इंस्पायर करते हैं सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को अगले एपिसोड में। वेलकम टू सक्सेस गेट।